अगली खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से आ रही है, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण गांव टापू बन गया है। दरअसल मामला बुरहानपुर जिले के बंभड़ा गांव का है, जहां विनाशकारी बारिश के कारण गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं गांव का प्रवेश द्वार टापू बन जाने से आवागमन बाधित हो गया है, साथ साथ ही बस स्टैंड, स्कूल, मैदान और दुकानों में पानी घुस गया है। जानकारी के मुताबिक गांव में कामकाज ठप नजर आ रहा है। आपको यह भी बताते चले कि ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत को जिम्मेदार ठहराया है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत ने नालियों की सफाई नहीं कराई है, साथ ही पानी निकासी न होने से गांव तालाब में तब्दील हो गया है। क्या नाले का मतलब जो झाड़ी हुई है, नाले का साफ सफाई नहीं होने का कारण नहीं है। और बच्चों को मतलब स्कूल आगे है और वो बाधित हो रहे, बच्चे भी आना जाना उसमें, और पानी का रिसाव हो जाता है और उसके बाद में फिर रास्ता बंद हो जाता है। दोनों गांव का संपर्क टूट जाता है, मोहद और बंबड़ा का, शाहपुर से और मतलब बुरहानपुर से लगा हुआ है, इसका आना जाना बुरहानपुर और शाहपुर बंद हो जाता है। लोगों का मुख्य मार्केट बुरहानपुर है, और नाले का अगर गहरीकरण हो जाए, चौड़ाकरण हो जाए, तो इसके कारण पानी का रिसाव कम होगा। इसी खबर में हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता गोपाल देवकर बुरहानपुर से। जी गोपाल जी, तो हम देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि गांव पूरा टापू बन गया है, ग्रामीणों को इससे दिक्कत हो रही है, बसों के पहिए नहीं दिख रहे हैं, तो पूरा मामला क्या है? जी मुस्कान, बता देना चाहूंगा कि बुरहानपुर जिले का बंबाड़ा गाँव है, जहाँ हम तस्वीरें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि यहाँ जिस तरह से गाँव जो है टापू बन चुका है, जिसके पीछे ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ नाली और नालों की जो है सफाई नहीं हो रही है, जिसके चलते अब जो है गांव पूरा टापू बन गया है, लोगों का जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो गांव का जो प्रवेश द्वार है, वहीं से लेकर के जो है गांव के अंदर तक जो है लगातार बारिश का पानी भर चुका है, जिसके चलते लोग घरों से नहीं निकल पा रहे और अपने अपने घरों में ही जो है बैठे हुए हैं, जिससे जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। जी मुस्कान, बिल्कुल सही बोला आपने, गांव पूरा टापू बन गया है, ग्रामीण अपने घर से नहीं निकल पा रहे, तो ये जायज सी बात है कि उनके काम काज में भी उनको दिक्कत आ रही होगी, तो ग्रामीणों का किस प्रकार से आक्रोश निकल कर आ रहा है? यदि हम बात करें ग्रामीणों की, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि ग्रामीणों का मानना है कि हमने कई बार जो है सरपंच सचिव को भी इसकी शिकायत की, लेकिन किसी प्रकार से यहाँ पर जो है इनके कान पर जू नहीं रेंगती। अब जो है जिस तरह से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद जो है लगातार यहाँ पर अब सरपंच सचिव जाग रहे हैं और उनका कहना है कि वो अब साफ सफाई की बात भी कह रहे हैं। जी जी भाई, ये सरपंच का कोई बयान आया इस मामले पे? अभी तक जो है किसी प्रकार से न तो सरपंच कुछ कैमरे पर कह रहे हैं, न सचिव कुछ कैमरे पर कह रहे हैं, और न ही कोई अधिकारी वहां पर जो है कहने को तैयार है। लेकिन मुसीबतें जो है ग्रामीणों की है और ग्रामीणों को ही इस मुसीबत से जो है निपटना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है गांव के जो समाज सेवी है वो लोग भी जो है इसमें मदद कर रहे हैं और वो गांव का पानी निकालने के लिए जो है सहायता कर रहे हैं। मामले में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद गोपाल। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जहां पूरा गांव टापू बन चुका है। यह मामला बुरहानपुर जिले के बंभड़ा का आ रहा है, जहां विनाशकारी बारिश के कारण गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जलभराव की स्थिति हो गई है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोग अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं, यहां तक आवागमन भी नहीं हो पा रहा है गांव में।